हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चीन भारत को अशांत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेनाओं का तांडव अब भी जारी है। वहीं चीन ने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से खुलकर हाथ मिला लिया है। हमारी खुफिया जानकारियों के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में चीनी सेना के अधिकारी पाक आतंकवादियों को खुलेआम ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले दिनों चीनी सेना के अधिकारी इन आतंकी शिविरों में देखे गए हैं। चीनी सेना के अधिकारियों ने आतंकी संगठन लश्कर हिजबुल और जैश के कमांडरों के साथ मीटिंग की और साथ ही आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों के अलावा लॉन्चिंग पैड का भी दौरा किया। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकियों को केमिकल और बायो वेपन के इस्तेमाल करने की योजना को चीन फंडिंग कर रहा है। इसके साथ ही वो आतंकियों को हथियार भी मुहैया करा रहा है। चीनी आर्मी ऑफिसर्स ने POK के अलावा गिलगित बलूचिस्तान के आतंकी संगठनों और अलबदर जो जम्मू कश्मीर में बेहद सक्रिय आतंकवादी संगठन है उनसे भी मुलाकात की। अलबदर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। वैसे भी चीन POK में सड़क बांध और पनबिजली के निर्माण का कार्य अब भी जारी रखे हुए है। पिछले दिनों चीन की ओर से पाकिस्तानी आतंकियों को शह मिलने से माना जा रहा है कि इसका फायदा पाकिस्तान कश्मीर में उठा सकता है। आपको बता दें कि भारत द्वारा जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में UN सिक्योरिटी काउंसिल में सभी देशों की सहमति हासिल हो गई थी। केवल चीन ने इसके खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल किया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जब अर्धसैनिक बलों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए और इस हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली थी, लेकिन जैश मोहम्मद अब भी चीन का तुलारा बना हुआ है। आपको बता दें कि चीन के मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि जहां वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए अलबदर को पूरा सपोर्ट दे रहा है, वहीं म्यांमार में आतंकी संगठन अरकान आर्मी को अस्थिरता पैदा करने के लिए 95% फंडिंग कर रहा है। अरकान आर्मी का इस्तेमाल चीन भारत बांग्लादेश बॉर्डर और पूर्वोत्तर में करने के मंसूबे पाल रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर के बारामूला में 2016 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग छापों के दौरान चीनी झंडे भी मिले थे। वैसे भी चीन अक्साई चीन पर कब्जा जमाए बैठा है और उसकी नजरें अब कश्मीर पर टिकाई है और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान चीन का मोहरा बना हुआ है। चीनी झंडों का आतंकी ठिकानों से मिलना इस बात का संकेत देता है कि इन आतंकी संगठनों के फलने फूलने के पीछे चीन का एक बड़ा हाथ है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।